थाना क्षेत्र के कोठा गांव में बुधवार को हुए डबल मर्डर के खुलासे के लिए टीमें बनाकर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। एसएसपी ने कहा, जल्द होगा घटना का खुलासा। प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने कराई अपने पति की हत्या। चिलुआताल पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, आला कत्ल किया बरामद। एएसपी व सीओ कैंपियरगंज राहुल भाटी ने किया खुलासा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन के मद्देनजर समस्त प्रभारी व अपर प्रभारी एवं आरओ व ईआरओ सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं जोनल मजिस्ट्रेट के निर्वाचन कार्यों की समीक्षा बैठक। कहा, निर्वाचन को शांतिप्रिय स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से कराएं संपन्न। चिलुआताल पुलिस ने दो शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। बरामद किए 2.5 लाख रुपए के सामान तथा 24,000 रुपए नगद। एएसपी व सीओ कैंपियरगंज ने किया खुलासा। एसपीसीटी तथा एसडीएम बासगांव के नेतृत्व में पुलिस ने किया महानगर में पैदल मार्च। नागरिकों को दिलाया सुरक्षा का एहसास। सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में संपन्न हुई प्राइवेट वाहन मालिकों की बैठक। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए वाहन उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। गोरखपुर में बृहस्पतिवार को मिले 64 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,832। अब तक 367 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 291 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। पार्टी ने जिला पंचायत चुनाव में उतारे अपने प्रत्याशी। जारी किया 29 प्रत्याशियों की सूची। कहा, जल्द जारी कराई जाएगी दूसरी सूची। जनपद में गुरुवार को जिला अस्पताल सहित 145 केंद्रों पर किया गया 45 साल के ऊपर के व्यक्तियों का वैक्सीनेशन। टीकाकरण कराने वालों ने कहा, नहीं हुआ कोई दिक्कत। सीएमओ ने कहा, प्रत्येक सप्ताह 7,000 व्यक्तियों के वैक्सीनेशन का है लक्ष्य। गुड फ्राइडे के पूर्व संध्या पर मसीहियों ने मनाया पुण्य बृहस्पतिवार। पाद प्रक्षालन कर यीशु मसीह को किया याद। और श्री भाई जी की 50वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में गीता वाटिका के प्रांगण में 9 दिवसीय श्री राम कथा का हुआ शुभारंभ। निकाली गई शोभा यात्रा।